हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल मुस्ताक। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि यदि आपके आईटेल विजन 2 में यदि चार्जिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसको किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। दोस्तों, आप ये मत समझना कि मैं आपको यहां से दिखा रहा हूं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है, लेकिन दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि मैं आपको यहां पर इसका चार्जिंग वेज बताने के साथ साथ अच्छे से समझाने भी वाला हूं कि कहां पर कितना वोल्टेज आना चाहिए और कहां पर कितना वोल्टेज नहीं आना चाहिए, आपको कहां पर क्या चेक करना है अगर शॉर्टिंग आती है तो वो कैसे निकाल सकते हैं और कहां पे जंपर करना चाहिए और कहां पर नहीं करना चाहिए, इन चीज़ों के बारे में हम कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, ये हमारा इसका आईटेल विजन 2 का सीसी बोर्ड है और सीसी बोर्ड के आप देख सकते हैं इस वाले पॉइंट पर चार्जिंग का प्लस वाला वोल्टेज आता है। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर चार्जिंग का प्लस वाला वोल्टेज आता है जो 5 वोल्ट के समथिंग होता है। पहले मैं आपको चार्जिंग वेज को अच्छे से समझा देता हूं और उसके बाद मैं आपको बताता हूं, ठीक है। दोस्तों, ये चार्जिंग का प्लस वाला वोल्टेज है वो यहां पर ये इस कनेक्टर पर आ जाता है, इस कनेक्टर को बोलते हैं B2B कनेक्टर, ठीक है दोस्तों। इस वाले पॉइंट पर यहाँ पर आ जाता है, इसको कनेक्टर को बोलते हैं B2B कनेक्टर, ठीक है। इस कनेक्टर को B2B कनेक्टर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये दो बोर्ड को कनेक्ट करता है, ठीक है। ये हमारे इस मेन बोर्ड को और सीसी बोर्ड को मेन पत्ते के जरिए कनेक्ट करता है, इसलिए इसको B2B मतलब बोर्ड टू बोर्ड कनेक्टर बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये प्लस का वोल्टेज हमारे मेन पत्ते के जरिए, ठीक है, मेन पत्ते के जरिए हमारे यहाँ पर इस पर आ जाता है यहाँ पर, और उसके बाद इस टेस्ट पॉइंट जाता है, इस टेस्ट पॉइंट पर आता है, ठीक है। यहाँ पर इस टेस्ट पॉइंट पर आता है, आपको फिर यहाँ पर भी चेक कर लेना कि आपका प्लस वाला वोल्टेज आप यहाँ तक पहुँच रहा है या नहीं पहुँच रहा है, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों, पहले आप अच्छे से समझ लीजिए और उसके बाद आप अपने मोबाइल में चेक कीजिए, ठीक है। यहाँ पर आपका अगर वोल्टेज आता है तो उसके बाद ये वोल्टेज आता है इसके पीछे की तरफ, ठीक है। पीछे की तरफ आप देख सकते हैं ये सिम ट्रे हैं और सिम ट्रे के बगल में ये वाला चार्जिंग सेक्शन है, ये वाले हमारे चार्जिंग आईसी हैं। अब यहाँ पर ये वोल्टेज कैसे आता है मैं आपको दिखाता हूँ। ये प्लस वाला वोल्टेज होता है वो यहाँ से आता है और उसके बाद आप देख सकते हैं इस वाले कैपेसिटर में जो एक नन्ना सा कैपेसिटर लगा है इस वाले कैपेसिटर में आ जाता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर इस वाले कैपेसिटर में आ जाता है और उसके बाद जाता है इस वाले कैपेसिटर में और उसके बाद जाता है हमारे चार्जिंग आईसी के इधर, ये फर्स्ट पिन है, इस फर्स्ट पिन में आ जाता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर फर्स्ट पिन पर आ जाते हैं, यहाँ तक आपको जो चार्जर सॉकेट पर वोल्टेज मिलता है वो सेम वोल्टेज आपको यहाँ तक यहाँ पर मिलना चाहिए, ठीक है, इस वाले कैपेसिटर पर। अगर यहाँ पर आपको वोल्टेज नहीं मिलता है तो आप चार्जर सॉकेट के प्लस वाले पॉइंट से लेकर आप डायरेक्ट यहाँ तक जंपर भी कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारी ये चार्जिंग आईसी वीबेट के वोल्टेज को बनाती है जो 3.7 से लेकर 4.2 के बीच होता है। वो वोल्टेज आपको इस वाले पॉइंट से लेकर आपको, ये देखिए मैं इसको रेड कलर से कर देता हूँ, यहाँ पर इस वाले कैपेसिटर के इस वाले पॉइंट पर ये वोल्टेज निकालती है, ठीक है। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं इस वाले पॉइंट पर वोल्टेज निकालती हैं और उसके बाद सीधा आ जाती है हमारी बैटरी कनेक्टर के ऊपर, जैसा कि आप यहां पर अच्छे से देख सकते हैं बैटरी कनेक्टर के इस वाले पॉइंट पर आ जाती है। ये टेस्ट पॉइंट होता है हमारे चेक करने के लिए। यहां पर आपको 3.7 से लेकर 4.2 के बीच वोल्टेज मिलना चाहिए। अगर यहां पर आपका वोल्टेज नहीं मिलता है और अगर आपके यहां पर वोल्टेज आ रहा है तो आप डायरेक्ट यहाँ से लेकर आप यहां तक जंपर भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से लेकर आप यहाँ तक जंपर भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद ये वोल्टेज जाता है हमारा यहाँ पर ऊपर, ये कैपेसिटर है, इसके बाद यहाँ पर ये एनसी पॉइंट है, यहाँ पर कोई भी कंपोनेंट कनेक्ट नहीं होता है। और उसके बाद जाता है हमारे इस कैपेसिटर में और उसके बाद इस कैपेसिटर में और उसके बाद हमारे यहाँ पर जाता है इसमें। अब ये क्या चीज़ है भला, आप जब देखोगे ये तीन टांगों वाला ये होता है NVP। NVP की फुल फॉर्म होती है नेगेटिव वोल्टेज प्रोटेक्शन, ठीक है। नेगेटिव वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए ये NVP होता है। और उसके बाद यहाँ पर ये हमारा वोल्टेज इसमें चला जाता है हमारे इस बैटरी कनेक्टर पर, ठीक है दोस्तों। अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि किस तरीके से हमारा यहाँ पर ये वोल्टेज आया है, ठीक है। मैं आपको पहले एक बार अच्छे से वापस समझा देता हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सबसे पहले हमारे इस चार्जर सॉकेट पर वोल्टेज आता है और चार्जर सॉकेट के बाद हमारे इस कनेक्टर पर वोल्टेज आता है,
इस कनेक्टर के बाद इस कनेक्टर पे इस वाले पॉइंट पर जाता है, उसके बाद इस टेस्ट पॉइंट पर जाता है और उसके बाद इसकी सिम ट्रे है। सिम ट्रे के पीछे की तरफ जैसा कि आप देख सकते हैं इसके पीछे की तरफ ये इस वाले कैपेसिटर में आ जाता है, उसके बाद इसमें जाता है और उसके बाद ये हमारी चार्जिंग आईसी है। ठीक है, ये हमारी चार्जिंग आईसी है और उसके बाद यहाँ पर आपको 3.7 से लेकर 4.2 के बीच वोल्टेज मिलना चाहिए। अगर यहाँ पर आप जम्पर यहाँ पे वोल्टेज नहीं मिलता है तो चार्जिंग आईसी को चेंज करना है, आप डायरेक्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक जम्पर नहीं कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद ये वोल्टेज हमारा जाता है इस टेस्ट पॉइंट पर और टेस्ट पॉइंट के बाद जाता है इन कैपेसिटर से होता है हमारे इस एनवीपी में जाता है और एनवीपी के बाद में सीधा हमारी बैटरी कनेक्टर पर आ जाता है। तो दोस्तों आइटल विजन 2 में L6503 में कुछ इस तरीके से चार्जिंग वेज होता है। आई होप दोस्तों ये आपको चार्जिंग सेक्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप दोस्तों कि आपने अगर वीडियो को अच्छे से समझा है, अच्छे से देखा है, तो आपको ये 100% आपको समझ में आ गया होगा कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कहाँ पर कितना वोल्टेज आता है। देखो जो चार्जर सॉकेट पर वोल्टेज मिलता है वो सेम चार्जिंग आईसी के इस वाले पॉइंट पर वोल्टेज चार्जिंग आईसी के पास में जो ये कैपेसिटर है इस पॉइंट पर आपको यह सेम वोल्टेज यहाँ पर मिलना चाहिए और उसके बाद यहाँ पर इस वाले कैपेसिटर के येलो डॉट है इस यहाँ पर 3.7 से 4.7 तक वोल्टेज मिलना चाहिए और यही वोल्टेज वापस बैटरी कनेक्टर तक भी आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ पर यह आईसी आउटपुट में कम वोल्टेज निकाल रही है तो मोबाइल स्लो चार्जिंग होगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप वोल्टेज चेक कर सकते हैं। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर दोस्तों वीडियो हेल्पफुल रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर छोड़ देना ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले कि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो से आपकी हेल्प होती है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।